हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 5.2 का जो आपका प्रश्न नंबर 7वां दिया है इसको सॉल्व कराने वाला हूं। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 7वां दिया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पर देखिए आपका एपी यानी कि समांतर श्रेणी का हमको 31वां पद ज्ञात करना है और प्रश्न में आपका बोल रहा है कि जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो देखिए जो आपका समांतर श्रेणी होता है उसका जो आपका अंतिम पद का जो सूत्र होता है वो आपका होता है an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 11वां पद ज्ञात करेंगे 11वां पद यहाँ से क्या हो जाएगा a 11 बराबर जहाँ यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका डी होता है ये आपका क्या होता है सार्वंतर होता है, ये आपका क्या होता है प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर देखिए ए का मान हमको नहीं मालूम है, यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपका एक मान नहीं दिया है तो ए 11 का मान हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए और प्लस में एन का जवाब कितना रखेंगे 11 माइनस वन और इंटू में डी। तो यहाँ से ए 11 का जो मान आएगा वो आपका कितना आ जाएगा ए प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 10 डी। ये आपको समझ में आ गया तो ये आपका ए 11 का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न बोला है कि जिसका 11वां पद 38 है यानी कि जो आपका 11वां पद है वो आपको कितना दिया है 38 बराबर में ए प्लस 10 डी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे ज्ञात करना है, क्या करना है हमको ज्ञात करना है यानी कि ए पी, यहाँ पर देखिए ए पी का 31वां पद यानी कि यहाँ पे एपी का 31वां पद का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दे दिया है कि 11वां पद आपका 38 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एपी का 11वां पद वो आपका कितना दिया है तो वो आपका दिया है 38। और यहाँ पर देखिए हम 11वां पद निकाले हैं तो आपका कितना आया ए प्लस 10 डी। तो 11वां पद यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस 10 डी बराबर में आपका कितना हो जाएगा 38। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न में बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 16वां पद 73 है तो सेम इसी प्रकार से हम यहाँ से हम लिखेंगे ए पी का जो आपका 16वां पद दिया है वो आपका कितना दिया है, वो आपका दिया है 73। तो यहाँ पर लिख देंगे 73। तो देखिए हम 16वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, इससे एक कम कर देंगे तो आपका 16वां पद यानी कि देखिए 11वां पद ज्ञात किए हैं तो ए प्लस 10 डी, तो 16वां पद ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 15 डी बराबर में क्या हो जाएगा 73। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम समीकरण नंबर मान लेंगे 2। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, हमको ए और डी का मान ज्ञात करना है क्योंकि जब ए और डी का मान ज्ञात हो जाएगा तो 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि समीकरण दो, जो आपका समीकरण नंबर यहाँ पर दो दिया है, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देंगे। समीकरण एक को घटाने पर क्या करने पर, घटाने पर देखिए जब घटाएंगे इसमें से तो देखिए आपका समीकरण नंबर दो दिया है ए प्लस 15 डी, तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं ए प्लस 15 डी और बराबर में क्या दिया है 73। और दूसरा आपका समीकरण क्या दिया है ए प्लस, यानी देखिए आपका दूसरा समीकरण है, पहला समीकरण क्या दिया है ए प्लस 10 डी, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 10 डी और बराबर में क्या दिया है 38। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर आपका प्लस साइन दिया है तो इसको माइनस, यहाँ पे प्लस साइन दिया है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए आपका दोनों क्या है सेम है, तो जब दोनों आपका सेम दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 15 में से 10 को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 डी बराबर, देखिए यहाँ से 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर कितना बचाएगा 6, 6 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ से जब डी का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 35/5, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा क्योंकि 5/7 क्या होता है 35। अब देखिए D का मान हमको ज्ञात हो गया, अब क्या करेंगे कि D का मान यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि D का मान समीकरण एक में रखने पर। तो देखिए आपका जो समीकरण नंबर एक दिया है, तो देखिए समीकरण नंबर आपका एक कितना दिया है ए प्लस 10 डी बराबर 38, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स ए प्लस 10 डी।
तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं समीकरण जो आपका दिया है a प्लस 10d बराबर आपका कितना दिया है, वो आपका दिया है 38। तो देखिए यहाँ से हम d का मान रख देंगे तो a प्लस 10 और इंटू डी का मान यहाँ से कितना आया है 7, तो यहाँ पर रखेंगे 7 बराबर में हो जाएगा 38। तो देखिए a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 38, और यहाँ पर देखिए 10 और 7 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। देखिए यहाँ से प्लस का 70 लिख लीजिए एक बार, और यहाँ से जब इसका ए का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 38 माइनस का 70, 38 माइनस का 70। देखिए जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका माइनस दिया 70, तो 10 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना बचा है 6, 6 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का मान आपका कितना आ गया, माइनस का 32। चलिए यहाँ पे ए और डी का मान हमने क्या किया, ज्ञात कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका ए का मान आ गया कितना आ गया 32। अब क्या करेंगे कि 31वां पद ज्ञात करेंगे, तो देखिए 31वां पद कैसे ज्ञात होगा, 31वां पद क्योंकि आपका प्रश्न में आपका बोल रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो चलिए 31वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 31वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 31वां पद। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर समझिए कि हमने जब 11वां पद ज्ञात किया है तो a प्लस 10d आया है, यानी कि एक कम आया है, इससे एक कम। तो जब हम 31वां पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस 30d बराबर, ठीक है, क्या आएगा, a प्लस 30d आ जाएगा, यानी कि जो आपका 31वां पद होगा वो आपका कितना आएगा, a प्लस 30d। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना दिया है, तो a का मान आपका कितना यहाँ पर आया है, माइनस का 32। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 32 और प्लस में 30 और इंटू में d का मान, देखिए d का मान कितना दिया है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे d के जगह पर 7, तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 32 और प्लस में 7 × 21, यानी कि 210। अब देखिए क्या करेंगे कि यानी कि 210 में से जब 32 को जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 178, क्या आ जाएगा 178। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए जो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर जो आपका 7वां दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।